स्वच्छता कर्मियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और सुरक्षा संबंधी जानकारी। श्रोताओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक श्री के नारायण। स्वच्छता कर्मियों के लिए सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाएं से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए आप हमें सीधे हमारे स्टूडियो में टोल फ्री नंबर 1800-11-3663 पर फोन करके या एसएमएस के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। एसएमएस के लिए टाइप करें गोल्ड GOLD गोल्ड, फिर स्पेस दें और अपना प्रश्न, नाम और जगह लिखें और भेज दें 53010 पर 53010 पर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं SM रिजवान अहमद। स्वच्छता के परिपेक्ष में वर्ष 2018 का अपना एक खास महत्व है। इस साल न सिर्फ हम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहे हैं बल्कि इस 2 अक्टूबर को देश में स्वच्छ भारत अभियान के भी 4 वर्ष पूरे हो गए। स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ भारत के बापू के सपनों को सही अर्थों में तभी पूरा किया जा सकता है जब इस जन आंदोलन के कार्य में लगे सफाई कर्मचारियों के हितों की भी सुरक्षा की जाए और हर प्रकार की असमानता और भेदभाव से ऊपर उठकर उनके उत्थान और विकास के लिए सही तरीके से प्रयास किए जाएँ। यही जानने का प्रयास हमने आज के प्रोग्राम में भी किया है। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक श्री के नारायण, जो पूर्व में नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NSKFDC के भी कभी कार्यभार देख रहे थे, हमारे साथ मौजूद हैं। और आपको पहले ही फ़ोन नंबर्स और SMS के लिए बता दिया गया है तो उस पर हम फिर से लौटेंगे। लेकिन यहाँ पे के नारायण साहब, जो मेरा सवाल है, जो अक्सर मैंने पिछले 4 सालों में जब से स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत का ये मिशन लॉन्च किया गया, साल में एक दिन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ या लोग जो हैं हिंदुस्तान भर में, पूरे भारतवर्ष में फ़ोटोज़ खिंचाते हैं, हेडलाइंस में उनकी फ़ोटोज़ आती हैं, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो 364 दिन जो हमारा सफाई कर्मचारी काम करता है उसके बारे में कहीं पर एक लफ्ज़ नहीं लिखा होता है, या उसकी कहा जाए कि कुछ एक अर्थों में कहा जाए दूसरे लफ्ज़ों में कि उपेक्षा की जाती है। थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। सभी श्रोताओं को नमस्कार। ये आपका कहना शत प्रतिशत सही है कि जो सफाई कर्मचारी हैं वे महात्मा गांधी के सपने के एक अंग थे। वे ये ही नहीं चाहते थे कि स्वच्छता हो, ये भी चाहते थे कि सफाई कर्मचारी जो ये कार्य करें कर रहे हैं उनका भी हित हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार कई सारी मुहिम चला रही हैं। अभी जैसे कि आप को ज्ञात होगा, पिछले कुछ दिनों में अखबार में भी काफ़ी इस बारे में आ रहा है, ये दुर्भाग्य जो घटनाएं होती हैं जिसमें कि सफाई कर्मचारी नीचे जाके सीवर लाइंस में और सेप्टिक टैंक्स में भी उनके साथ कैजुअलिटीज़ होती है। इसको भी ध्यान में रखते हुए हमारी जो विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और उसके अधीनस्थ जो NSKFDC है, हम अभी यह देश भर में एक मुहिम चला रहे हैं जिसमें कि हम म्यूनसिपैलिटीज़, नगर पालिका एवं अन्य अर्बन लोकल बॉडीज़, पंचायत के साथ मिलकर ये जो एक्टिविटी है इस पे रोक लगाने के लिए उन पे जागरूकता बढ़ा रहे हैं। आपको जैसे कि ज्ञात होगा कि भारत सरकार ने एक प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड द रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 में जारी की थी, जिसमें कि हाथ से मैलाडोना की प्रथा पे प्रतिबंध तो लगाया गया था पर साथ ही हैजार्डस क्लीनिंग को भी प्रतिबंधित किया गया था। जी, इस पर हम बिल्कुल चर्चा करेंगे नारायण साहब। लेकिन अपने उन श्रोताओं के लिए जो हमारे साथ हमें प्रोग्राम में सुन रहे हैं या हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हम उनकी भी राय आज सुनना पसंद करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इन सफाई कर्मचारियों के बारे में, उन कर्मचारियों की बेहतरी के लिए जो आपके वार्ड को, जो आपके ब्लॉक को, सोसाइटीज़ को पूरे 365 दिन साफ रखें
रखने में अपना अमूल्य योगदान करते हैं, आप उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या बेहतरी लाना चाहते हैं, किस तरह का कैंप लगाना चाहते हैं? हमारे साथ स्टूडियो में के नारायण साहब मौजूद हैं, उनसे आप शेयर कर सकते हैं, उनको कुछ सुझाव दे सकते हैं, अपना कोई टिप्पणी कर सकते हैं इस बाबत, तो ज़रूर हमें हमारी टोल फ्री नंबर जो कि प्रोग्राम के शुरुआत में भी बताया गया था, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800-003-663-1800-11-3-663 और SMS के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। टाइप करना होगा आपको अपने मैसेज बॉक्स में GOLD गोल्ड और स्पेस दें, अपना प्रश्न नाम और जगह लिखकर भेज दें उसे 53010 यानी 53010 पे। तो आपके फ़ोन कॉल्स और SMS का हमें इंतज़ार रहेगा। नारायण साहब, आपने दो चीज़ों पे जिक्र किया, एक मैनुअल स्कैवेंजिंग पे जिक्र किया या हैज़र्डस क्लीनिंग पे, इन दोनों में क्या फ़र्क है, थोड़ा सा इसमें बताएं। देखिए, मैनुअल स्कैवेंजिंग जो एक्ट में डिफाइंड है, वह ये मतलब है इसका कि हाथ से मैला उठाना, यानी कि जो पुराने ड्राई टैब लेटरिंस थे या ओपन ड्रेन्स में जो फीकल मैटर जाता था उसकी सफाई, या फिर जो सेप्टिक टैंक्स है उसकी मैनुअल क्लीनिंग, इन सबको मैनुअल स्कैवेंजिंग के अंतर्गत लिया जाता है। हैज़र्डस क्लीनिंग में भी एक तरह से मैनुअल स्कैवेंजिंग का कंपोनेंट है, परंतु ये वह जो सीवर लाइंस में जो जाने की एक बात है, वह हैज़र्डस क्लीनिंग के अंतर्गत आता है। हैज़र्डस क्लीनिंग भी, जैसे मैंने बोला, ये प्रतिबंधित तो है, परंतु इस एक्ट में ये ध्यान में रखते हुए कि कभी कभार ये होता है कि नीचे लाइंस में मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत है, तो इसीलिए इस एक्ट में के अंतर्गत रूल्स बने हैं, और उस रूल्स के चैप्टर 2 में ये बड़े क्लियरली डिफाइन किया गया है कि किन किन हालात में कोई अंदर जा सकता है, और ये हालात जो उसको फाइनली सर्टिफाई करना, वह उस लोकल बॉडी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जिम्मेदारी रहती है। एक्ट में ये भी बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे छोटे छोटे मशीनें रखे जाएँ जिससे कि सक्शन का कार्य हो सके, परंतु अगर किसी को जाना भी पड़े तो करीब 45 ऐसे सावधानियों के बारे में उसमें लिखा गया है जिसको फॉलो करना बहुत आवश्यक है, जैसे कि उनके पास सूट होना चाहिए, ऑक्सीजन मास्क उनके ऊपर होना चाहिए, सेफ्टी लैडर होनी चाहिए, सेफ्टी बेल्ट होनी चाहिए, ग्लव्स होनी चाहिए, ग्लव्स छोटी सी बड़ी बड़ी ऐसी चीज़ें, एम्बुलेंस का वहाँ रखना ज़रूरी है। इसके अलावा और भी सावधानियाँ, जैसे ये मैनहोल हैं, उन मैनहोल को पहले से ही खोल के रखना चाहिए ताकि उसमें अगर कोई टॉक्सिक गैसेस है वो बाहर निकल जाएं। एक लेड एसीटेट की एक स्ट्रिप आती है, उसको लगाने से पता चलता है कि अंदर कोई जहरीला गैस है कि नहीं। तो ऐसे कई सारी सावधानियां हैं जिससे कि अगर कभी किसी को जाना भी पड़े तो वह टोटली सेफ रहे। दुर्भाग्यवश इसके बारे में जागरूकता बहुत कम है, और लोग नीचे दूसरों को भेज देते हैं, और जो बेचारे नीचे जाते हैं जो सफाई कर्मी, वह भी लाचार हैं, वो कुछ पैसे के लिए कई बार चले जाते हैं। परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि हम इस चीज़ पे को नज़रअंदाज कर लें, इस पे जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि ये जो अनफॉर्चुनेट कैजुअलिटीज़ हो रहे हैं उस पे गांधी जी के 150वीं वर्ष में हम अपने देश में पूरी तरह रोकथाम कर सकें। क्या कोई इस तरह का कोई उपकरण नहीं होता है कि आप पैनिक बटन दबा दें, अलर्ट करें जो ऊपर के बैठे हुए लोग हैं? जी बिल्कुल, इनफैक्ट इस जो मैंने आपको बताया जो 45 या 44 जो हमारी सावधानी है उसमें मेंशनड है, उसमें एक अलार्म की भी सिस्टम है, क्योंकि आपका कहना बहुत सही है, जब आदमी नीचे जाता है और हालांकि अगर उसके पास सब प्रोटेक्शन के बावजूद अगर उसके पास कोई अगर टॉक्सिक गैसेस की इनहेलेशन हो जाती है तो वो बोल नहीं पाएगा, तो उसके लिए एक बटन से अगर वो दबाए और वो ऊपर तक वो मैसेज आ जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम जो म्यूनसिपैलिटी के ऑफिशियल्स हैं, उनके जो सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके लिए हम ये वर्कशॉप करवा रहे हैं दो हाफ डे का, जिसमें कि इन सभी चीजों के बारे में बताया जाएगा, और ये बताया जाएगा कि आप ये सब रखिए और उसके बाद ही आप कोई भी क्लीनिंग का कार्य को सुपरवाइज करें। जी, एक हमारे पास एक श्रोता का संदेश है, सुनते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। मेरा ओम बत्ती नाम, जमुना पार्क तिलोपुरी इंदिरा कैंप जुग्गियों में रहते हैं, यहाँ 30 साल हो गए, हम दोनों मियाँ बीबी यहीं करते हैं, आदमी को 45 साल है, तनख्वाह देते हैं सिर्फ 2000, हम तो एक कबाड़ा दबाड़ा बेन बान के अपने बच्चे पाल रहे हैं, क्योंकि हमारा गुजारा है ही नहीं, फिर भी अब क्या करें, हमारे नौकरी चाकरी नहीं, जवान जवान मेरे बच्चे बैठे हैं घर में, पढ़ा लिखा मेरा बेटा, उसका भी कोई काम धंधा नहीं है, 12वीं अभी हरियाणा से पेपर
पर दिए, मेरे बच्चे का नौकरी नहीं है, तीन बेटे मेरे घर में बैठे हैं, मेरे तीन बेटी हैं, शादी ब्याह करूं तो किस चीज़ से करूं, मेरे पास एक रुपया नहीं है, जवान जवान बेटी हैं मेरे, पेट पालूं 2000 में के बेटियों का ब्याह करूं, क्या करूं के बच्चे पालूं, क्या करूं, मैं तो झुग्गी झोपड़ी में रहती हूं, यहां मैं 9:30-10 आ जाते हैं, आदमी मेरा बेचारा घर 4 बजे छोड़ देता, 5 बजे यहाँ जनपद की सफाई करने लगता है, पूरी मार्केट में सफाई करते हैं, जनपद मार्केट है ये, पूरी मार्केट की सफाई करती हूँ, ये लेडीज बाथरूम है इस पर बैठती हूँ, कोई बेचारी अपनी राजी से दे जा नहीं, झगड़ा मुझे किसी से नहीं करना, कोई देती है तो उसका भला, ना दे तो उसका भला, मुझे लड़ाई किसी से नहीं करनी, देखो देख के भी 10-5 रुपये उनके जी माती देती है, नहीं तो मैं तो कहती भैया मैं तो हाथ जोड़ रही, मेरा बस की नहीं है लड़ने, तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरे जवान जवान बेटी कुछ मदद हो जाए, तीन जी मत अंगूठा छा, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करी मैंने, मेरा बेटा पढ़ा हुआ छोटा वाला 12वीं पास, अभी हरियाणा से करिए, कर्जा ले लेकर पढ़ा लिखा, नौकरी नहीं, आदमी हमने दोनों मियां बीवी ने यहाँ जिंदगी बिता दी, हमारे पास नौकरी नहीं, फिर हम कहाँ जाएं, क्या खाएं? मेरा नाम बापीलाल दास, मैं टॉयलेट में काम करते हैं, तनख्वाह मिलते है इसमें, खाना वाना खा के जितना मस्ता है गाँव भेजता हूँ, परिवार चलाता हूँ, सब कुछ देखने पड़ते हैं, परिवार में 6 लोग हैं, मामी पापा है, 2 भाई है, 2 बहन है, लड़का पढ़ा है नहीं, 2 क्लास पे रहा हूँ। ये एक सच्चाई है कि नारायण साहब के शोषण हो रहा है, और यहाँ पे एक समानता और उनको उनके अधिकार की बात ज़रूर होनी चाहिए। आपका कहना बिल्कुल सही है, ये जो भाई और बहन की हमने बात सुनी, यह एक सफाई कर्म की पीड़ा है, और मैं आपको और देश भर को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारा ये जो निगम है, सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उस निगम के माध्यम से हम जितने ऐसे सफाई कर्मी हैं उनके और उनके बच्चों के लिए भी कौशल विकास के कार्यक्रम भी निःशुल्क चलाते हैं, ताकि वह और हुनर सीखें और अपना जीवन व्यापन दूसरे तरह से कर लें। आपने जो ये हमारे दो श्रोता हमारे साथ जुड़े थे उनके नंबर आपके पास जरूर होंगे, हम उनके ये कार्यक्रम के बाद उनके पास जरूर पहुँचेंगे और उनको व्यक्तिगत रूप में भी अवगत कराएंगे, परंतु सभी के लिए हम बताना चाहेंगे हमारा एक नंबर है 9811478700। मैं रिपीट करता हूँ, 9811478700। इस नंबर पे व्हाट्सएप या मैसेज करके आप अपनी जो जहां आप रह रहे हैं और आपकी क्या आशाएं वो आप बता सकते हैं। जैसे हमने बोला है, हमारे कार्यक्रम तो हैं पर भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे लोग हैं, तो वह हम तक अगर इस नंबर के माध्यम से पहुंच जाएं, एक हम ईमेल आईडी भी आपके साथ शेयर कर लेंगे जो आप नोट कर सकते हैं, वह है MD मैनेजिंग डायरेक्टर का MD-NSKFDC, जो हमारे निगम का नाम है, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NSKFDC@NIC.IN। तो ये दो हमारे सरल तरीके हैं जिससे कि हमारे सफाई कर्मी जो हैं वो हम तक पहुंच सकते हैं, और जैसे मैंने बताया हम उनके कौशल विकास के कार्यक्रम जरूर करा सकते हैं, ताकि जो इनके बच्चे हैं जो ये बोल रहे थे कि ये घर में बिना कोई रोज़गार के बैठे हुए हैं, उनकी कुछ हुनर आ जाए और उनको फिर उसके बाद कोई ना कोई नौकरी मिल जाए, ताकि इनका जीवन व्यापन और बेहतर हो सके। नारायण साहब, जो एक मॉड्यूल है हमारे अभी एक लोकतांत्रिक संरचना जो हमारी है, उसमें हर जगह पे या तो नगर निगम है या नगर पालिका है छोटे शहरों में, या जहाँ पे नगर पालिका नहीं है वहाँ पे पंचायत के स्तर पर काम हो रहा है, लेकिन ये काम कई जगहों पे आउटसोर्स भी हुआ जो ठेकेदारों के पास है, शोषण वहाँ पे शुरू हो जाता है, म्यूनिसपैलिटी वालों का भी अपना एक तकलीफ है कि उनको 3 महीना 4 महीना कई जगहों पे 6 महीने साल भर से पेमेंट नहीं है, इसको कैसे आप चेक कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक सैनिटेशन वर्क की आउटसोर्सिंग की बात है, मैं अपनी यहाँ कंस्ट्रेंट्स बताऊँगा क्योंकि ये हमारे विभाग के पास आता नहीं है, फिर भी हम लोग क्या कर सकते हैं और हम क्या कर रहे हैं इसके लिए। जैसे हमने बोला हम तो सैनिटेशन वर्कर्स के लिए कार्य करें, तो हमने ये बात भी देखा कि हमारे जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, आखिर सैनिटेशन कार्य तो होना ही है, उनके भी जो कार्य करने के तरीके हैं और उनके भी जो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ है वो उतनी बेहतर है नहीं। तो इसके लिए हमने हाल ही में करीब 5-6 महीने पहले से एक हेल्दी एंड मैकेनाइज्ड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस पे एक
प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है जो कि हम म्युनिसिपैलिटीज और नगर पंचायत के साथ मिलकर कर रहे हैं। ये 5 दिन का प्रोग्राम है 35 घंटे का, जिसमें इनको मशीनों के साथ कैसे कार्य करना है ताकि सफाई और अच्छी हो सके, और इसके अलावा अपनी हेल्थ की, अपनी संरक्षा करते हुए, स्वास्थ्य के देखभाल करते हुए कैसे कार्य करना है वह होता है। इस ट्रेनिंग के अंत में हम इनको एक छोटी सी स्टाइपेंड भी देते हैं और इनका हेल्थ चेकअप भी कराते हैं, और साथ ही उनको स्वच्छता किट देते हैं, मास्क हो गए, अपने फ्लोरेसेंट जैकेट्स हो गए, हेलमेट हो गए, सभी हम इनको देते हैं ताकि ये लोग अपना कार्य को और कुशल से कर सकें। और साथ ही हम म्युनिसिपैलिटीज को और उनके माध्यम से उनके कॉन्ट्रैक्टर्स को भी अप्रोच कर रहे हैं कि एक बार ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं ये स्किल्ड हो गए हैं, क्योंकि इनको एक स्किल का सर्टिफिकेट मिलता है। ये ट्रेनिंग ग्रीन जॉब सेक्टर स्किल काउंसिल कर रहा है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अधीनस्थ है, तो उनके पास एक स्किल्ड सैनिटेशन वर्कर की सर्टिफिकेट है, तो इनकी कैरियर ग्रोथ के ऊपर भी ध्यान दिया जाए ताकि इन लोगों को थोड़ा और इजाफा हो जाए इनके कंपनसेशन में, और ये और दूसरी जगह भी जाके और मैकेनाइज्ड एटमॉस्फेयर में कार्य कर सके। इस वक्त हमारे साथ पहली श्रोता आज के टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार, मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बोल रहा हूँ। जी जयकिशन जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो 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 बातें अभी साहब ने बताई हैं, मंत्रालय तो सब कुछ करता ही है और करना भी चाहिए, और जनता भी इन लोगों के साथ जुड़ी रहती है हर वक्त कि भाई तुम्हें ऐसे ऐसे काम ऐसे करना है, तुम्हारे को हमें ये सहूलियत देते ही हैं, गली वाले भी देते हैं, और हर लोग इनकी मदद के लिए तैयार रहता है। लेकिन हमारे को जो जागरूकता है सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली सरकार पे डाल देती है, दिल्ली सरकार एमसीडी पे डाल देती है, तो क्या इन लोगों के अंदर कोई ऐसी प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है, या ऊपर से इनके ऊपर कोई विजिलेंस अफसर बैठाए हैं कि भाई जो लोग नए लोग आते हैं, जो लोग जैसे अब नीचे उतर जाते हैं और मर जाते हैं, तो क्या हम लोग महीने में या एक दिन 15 दिन में या एक हफ्ते में हम उनकी क्लास लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हर जोन के अंदर सब जगह पर अलग अलग शहर हैं, हमारा बाग भी है, हमारे पास जगह भी है, हम उस जगह बैठकर उन्हें प्रशिक्षण दे सकते हैं जिससे कि उनकी मौत ना हो और उनको हम हर तरीके से मदद कर सकें। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो सुविधा आप देते हैं, वर्दी देते हैं, या हम लोग उनको कपड़े देते हैं या उनको जैकेट देते हैं, क्या ये जैकेट या कपड़े उन तक पहुंच पाते हैं या उन तक नहीं पहुंच पाते हैं? जो उनका ठेकेदार होता है वो क्या करता है क्या नहीं करता है उस पर भी नज़र रखनी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि सरकार पैसा देती है, पूरा पैसा देती है, और वहां तक पहुंचता है नहीं पहुंचता, जर्सी पहनते नहीं पहनते, ये भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है जिससे उनकी सुरक्षा हमारे तक पहुँच सके। आपने भी मेला उठाने की बात की थी कि मेला उठाना जो है वो समाप्त होना चाहिए। हमारे 69-70 के अंदर जम्मू प्रसाद जैन थे, हमने इतनी मेहनत की और दिल्ली में शहर में हमने मेला सुस्ता खत्म करी, फ्लैश सिस्टम बनाया, एमसीडी ने 500 रुपये एक घर के मालिक को दिया और पूरा मेला ढोने की प्रथा खत्म हो गई। तो हमें जागरूकता होनी चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए, बस मेरा ये कहना है। जी अग्रवाल जी जो कहे हैं वो बहुत ही सही है, यह एक बहुत अच्छी पहल है उनके ओर से जो आम आदमी भी जुड़े इस कार्यक्रम में। मैं अग्रवाल जी को यही कहना चाहूँगा कि हम कोई अलग विभाग नहीं देखते, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस और डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और हमारे ऊपर हमारे जो मंत्रालय है यह सफाई कर्मियों के हित के लिए काम कर रही है, वह किसी भी विभाग के हो। हम जिम्मेदारी और कहीं नहीं डालेंगे, जहां तक उन कल्याणकारी योजनाओं का सवाल है जो हम करते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा, अगर ये बोल रहे हैं कि ये संगठित कर सकते हैं सफाई कर्मियों को, तो हम जरूर उनके साथ, जैसे कि हमने अपना नंबर शेयर किया, मैं फिर पुनः अब नंबर शेयर करता हूं जिसमें कि वह मैसेज भेज सकते हैं, वह है 9811478700। तो इसके माध्यम से अगर वो बता दें कि कौन से जगह पे वह ऐसा प्रशिक्षण कार्य करवाना चाहते हैं, तो हम ये प्रशिक्षण कार्य उनके साथ बैठ के और म्युनिसिपैलिटी के साथ भी बैठ के ये कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। जहां तक ये बात रही कि ये जो हम देंगे उनको स्वच्छता किट इन तक पहुंचेगी कि नहीं, तो साहब हम बताना चाहेंगे कि ये स्वच्छता किट जो है ये उन्हीं लोगों को दी जाती है जो ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, ये कोई ठेकेदार के माध्यम से हम नहीं देते हैं। अभी तक पिछले 5-6 महीने में करीब
5000 लोगों की प्रशिक्षण हो चुकी है और उनके जो चेहरे में खुशी हमने देखी है, इससे हमको लगा है कि यह पहल जरूर आगे तक इन लोगों के हित में रहेगा। और इस वर्ष में जहां गांधी जी की हमारी 150वीं जयंती हो रही है, तो हमने एक टारगेट रखा है कि हम कम से कम देश भर में 10,000 सफाई कर्मचारी और साथ में जो कूड़ा बीनने वाले हैं उनका भी प्रशिक्षण करवाएंगे। बिल्कुल, और रही बात की केंद्र सरकार और यहाँ पे जो एजेंसियाँ हैं, जो एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, वो हमेशा राज्य सरकार और उसके अंतर्गत जो नगर पालिका और दूसरे जो एजेंसी हैं उनके साथ समन्वय के तौर पे काम करती है, क्योंकि कुछ चीज़ें केंद्र सूची में है, कुछ विषय राज्य सूची में है, तो वहाँ पे केंद्र और ये जो एजेंसियाँ जिसका हमने बात जिक्र किया, नेशनल बैकवर्ड क्लास फिनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या NSKFDC, ये उनके साथ समन्वय के तौर पे काम करती है। और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम जयकिशन जी के साथ साथ बाकी सभी लोगों से अपील करना चाहेंगे कि अगर कोई जैकेट पहन रहा है कि नहीं, या सेफ्टी ग्लव्स और प्रॉपर SOP स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर का फॉलो कर रहा है कि नहीं, वो भी लिख सकते हैं, बता सकते हैं NSKFDC को, और इनकरेज कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं उन कर्मचारियों के कि वो ट्रेनिंग लें और बकायदा अपनी सुरक्षा और कल्याण के लिए काम करें। जी नारायण सर, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि यह जिम्मेदारी हम सबकी है, साथ में, सिर्फ सरकार या सरकारी संस्था की नहीं है, कि हम इनके संरक्षा और सुरक्षा के लिए कैसे काम करें। जैसे कि अभी हाल ही में भी कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट केसेस हुए, इंसिडेंट्स हुई हैं, कैजुअलिटीज हुई हैं, ये तो सभी ये नगर पालिका के माध्यम जो कार्य कर रहे हैं उनके सफाई कर्मियों के नहीं हुए हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि प्राइवेट मॉल्स में, हॉस्पिटल्स में और अन्य ऐसे जगह, इवन सोसाइटीज़ में लोगों को नीचे उतार दिया जाता है। मैं इसलिए आपके माध्यम से हमारे सभी श्रोताओं तक ये एक अपील करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि कृपया जो भी कॉन्ट्रैक्टर को आप लगाते हैं कोई भी कार्य के लिए, तो उनको जरूर आप जागरूक करें कि ऐसा काम बिल्कुल ना करें जिससे कि एक सफाई कर्मचारी के संरक्षा या सुरक्षा पे प्रश्न चिन्ह उठ सके। और ये हम सब साथ में, और इसके लिए जो कंडीशंस है मैंने जैसे बताया है, ये हमारे जो एक्ट है उसके चैप्टर 2 में बड़े क्लियरली दिया हुआ है कि क्या क्या सावधानियां हैं और क्या क्या मशीनें हैं जिससे काम करना चाहिए। तो अगर हम लोग सब जागरूक होंगे तो निश्चय ही इसमें हम सफलता प्राप्त करें। बिल्कुल, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में जब हम एक राज्य की परिकल्पना करते हैं तो उसमें जनता, आम जनता भी उसमें शामिल है, तो ये हम सब की एक एफर्ट्स होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए, साझा प्रयास का ही नतीजा बेहतर एक राज्य की हो सकता है। एक और श्रोता है इस वक्त हमारे साथ लाइन पे। हेलो। हाँ सर जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं साहब? सर मैं अरविंद कुमार बांदा से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश। जी अरविंद जी बताएं। सर मेरी माता जी 40 वर्ष से डाक विभाग केंद्र सरकार की संस्था है जी, सर वहाँ सफाई कर्मी के पद पे काम कर रहे हैं, तो आज तक उनको 3,000-4,000 से ज्यादा वेतन नहीं दिया जा रहा है। सर हम वो इसे कम वेतन मिलने का, ना ही हमको फिर से बढ़ा सकी है, ना ही हम आगे कुछ बढ़ सके, इसके लिए बताइए क्या होना चाहिए। सर कई जगहों पे ये हमें भी सुनने को मिलता है कि अंडर पेड है या उनको कम काट के दिया जा रहा है, देर से दिया जा रहा है, शोषण है यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर में देखें तो। नारायण साहब ये आपकी बात सही है, ये म्युनिसिपैलिटीज़ और जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनके भी कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जिसके कारणवश उनको कई बार कॉन्ट्रैक्चुअली इस कार्यों को करवाना पड़ता है, परंतु कॉन्ट्रैक्टर उनको सही कंपनसेशन दे उसके लिए ज़रूरी है कि हम साथ में उनके जो राइट्स हैं और उनके जो ये मिनिमम वेजेस इत्यादि के प्रोविजंस हैं उस पे ज़्यादा जागरूकता हो। जैसे मैंने बताया हमारा जो विभाग है वह हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एवं उनके अधीन जितने म्युनिसिपैलिटीज़ हैं और नगर पालिकाज हैं उनके साथ काम कर रहे हैं, और समय समय पे हम उनको बताते जा रहे हैं कि ऐसी जो हमारी फील्ड में एक्सपीरियंसेस हैं उनके साथ शेयर कर रहे हैं, और निश्चय ही इसमें हम उम्मीद करते हैं कि और सुधार होगा इस सिचुएशन में। और जो हम ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स कर रहे हैं इससे भी, इसके माध्यम से भी हम इनको होप कर रहे हैं कि इनकी जो वर्किंग जो स्तर है वो और बेहतर हो सके। बल्कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सभी कर्मचारियों को अगर इस किस्म का शोषण हो रहा है जो ठेकेदार के जरिए या किसी और वजह कर, तो उनको संबंधित जिले के जिलाधिकारी से भी संपर्क करना चाहिए क्योंकि वो वहां का मुख्य है। बिल्कुल, ये जो इनकी जो ये वर्किंग है वह जैसे आपने बताया वहां की लोकल बॉडी, वो अर्बन लोकल बॉडी हो सकती है या पंचायत हो सकती है और फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उस मशीनरी में आती है। तो लोग अभी हम भारत सरकार में का और राज्य सरकारों में भी काफ़ी लिबरलाइजेशन हुआ है कि आम आदमी उन तक पहुंच सकता है,
तो सभी इस माध्यम से अपने अप्रोच कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसकी सुनवाई होती है हफ्ते में या महीने में जब भी, तो आप जाएं और बाकायदा अपने एक छोटा सा आवेदन हिंदी में लिखें, अपनी जो परेशानियां हैं, जो आपका आपके साथ जो जो शोषण आपके साथ हो रहा है वो बाकायदा लिख करके जाएं, लिखित में आवेदन दें, ज़रूर कार्रवाई होगी। एक और श्रोता इस वक्त हमारे साथ लाइन पर है। हेलो, हाँ जी आदरणीय नमस्कार। जी नमस्कार सर, आप कौन बोल रहे हैं? सर जी मैं आपका नियमित श्रोता जय नरसिंहदेव एफएम रेडियो ग्रुप करकदेल मध्य प्रदेश तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर से कमलेश कार बात कर रहा हूँ सर जी। जी नमस्कार साहब। सर जी देखिए सबसे पहले बहुत ही मैं अचरज भी हूँ और एक उत्साहित भी हूँ सर जी। जी जी बताइए। आप लोगों ने आज बहुत ही अच्छा विषय रखा है सर जी, बहुत शुक्रिया आपका इस हौसला अफजाई के लिए। जी सर जी मेरा प्रश्न यह है कि हम ग्राम में रहते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे, तो सर जी सफाई कर्मी जो होते हैं उनके लिए शासन द्वारा जो उनके बच्चों के उन्नयन के लिए या उनकी उन्नति के लिए या पढ़ाई लिखाई या अन्य ऐसे मतलब जिनका जिससे उनका विकास हो सके उनके लिए शासन द्वारा किस प्रकार की मतलब सहायता की जा रही है या किस प्रकार की योजना सर जी चल रही है जिससे कि वे फायदा ले सके। और सर जी मैं यह कहूंगा कि जितने भी श्रोता है मेरी इस बात को अन्यथा न लें, मैं एक छोटा सा नारा बोलना चाहूंगा कि आओ हम सब बेहतर बने स्वच्छता सफाई हेतु बेहतर बने। बहुत बेहतर। जी जी सर जी धन्यवाद जी। जी नारायण साहब ये जो सवाल है कि सफाई कर्मचारी के जो बच्चे हैं उनके बेहतरी के लिए उनके कल्याण के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं ये ज़रूरी है समझना और जानना। जी तो सबसे पहले तो मैं कमलेश जी की प्रशंसा करूंगा कि वह उन्होंने भी ये बात को रिकग्नाइज़ किया कि हम लोग सब बैठ के एक ऐसे इशू पे बात कर रहे हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि सेंसिटिव है। और जहां तक सफाई कर्मचारी के बच्चों की बेहतरी की बात है जैसे मैंने आपको बताया तो हमारे निगम के जो स्कीम चलते हैं उसमें कौशल विकास पे बहुत जोर है क्योंकि कौशल विकास ही आदमी को एक नौकरी दिला सकती है। पढ़ाई तो आजकल स्कूल में जब से राइट टू एजुकेशन आया है तब से आठवीं तक तो वैसे भी पढ़ाई हो जाती है सरकारी स्कूल में, पर ये आमतौर पे देखा गया कि उसके बाद या तो ये बच्चे आगे कुछ पढ़ नहीं पाते और पढ़ते भी हैं तो नौकरियां नहीं मिलती। तो हमारे मानना यही है कि कौशल विकास अगर इनका हो जाए तो फिर यह और अच्छे नौकरी कर सकते हैं। इसमें हम कई सारे ट्रेड्स में इनका स्किल डेवलपमेंट करा रहे हैं और कई सारे सेक्टर स्किल काउंसिल्स जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है उनके साथ जुड़े हैं। जैसे हमारी जो लड़कियां हैं बच्चियां युवतियां हैं उनके लिए टेलरिंग कोर्स होता है, ब्यूटिशियन का कोर्स होता है, फूड प्रोसेसिंग का कोर्स होता है, ऐसे कोर्स करा रहे हैं। और साथ ही में फिर फर्नीचर की कोर्स हो गई, कारपेंट्री की हो गई, इलेक्ट्रीशियन का हो गया या प्लम्बिंग का हो गया, तो ऐसे जो भी कोर्स है हम कराते हैं। तो हमारे जो प्रिय श्रोता हैं उनको मैं यही बताना चाहूंगा कि हमारा जो नंबर है जो हम दो बार पहले भी बता चुके हैं मैं फिर रिपीट करूंगा 9811478700, इस पे अगर आप मैसेज करके बता सकें कि आपकी कौन सी ऐसी बस्ती है जहां आप ऐसे कोई इंटरवेंशन लाना चाहते हैं तो हम आपसे संपर्क करेंगे। और हमारे ये जो भी ये स्किलिंग पार्टनर्स हैं उनके जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं जो कि पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं उनके से आप तक हम पहुंचेंगे और इन लोगों का ट्रेनिंग कराएंगे। परंतु आपसे एक ही गुजारिश है और यह मैं दिल से गुजारिश कर रहा हूं कि यह जो ट्रेनिंग है भले ही यह निशुल्क है पर इसको करके आगे बढ़ने की जिम्मेदारी उन्हीं बच्चों की है। तो आप एक तरफ हम लोग तो योजना आप तक पहुंचाएंगे पर बच्चों को भी प्रोत्साहित करें कि ये योजना इसलिए नहीं चला रही कि आपको निशुल्क ट्रेनिंग देके वहां मामला खत्म हो गया। हम चाहेंगे कि वो ट्रेनिंग ग्रहण करके और पूरा करके वो आगे बढ़े और कहीं ना कहीं नौकरी में लगे और अपनी जिंदगी को और बनाने की कोशिश करें। निश्चित तौर पर यह एक बेहतर प्रयास है क्योंकि एक मान्यता बन चुकी है कि ये कर्मचारी अगर इनके माता पिता ये करें तो बच्चे भी यही करेंगे, इनकी नियति है, तो ये एक ज़रूरी है डाइवर्सिफिकेशन के लिए। नारायण साहब कुछ एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो कॉरपोरेशन है वह स्किल डेवलपमेंट के अलावा फाइनेंसिंग भी करता है क्योंकि जैसे हमारा नाम भी है और ये फाइनेंसिंग में हम लोन्स देते हैं। तो अगर कोई ऐसे बच्चे हुए हैं जो कि थोड़ा बहुत आगे बढ़ चुके हैं और अपने कोई छोटा मोटा व्यवसाय करना चाहते हैं तो हमारे पूरे भारतवर्ष में स्टेट चैनल एजेंसीज हैं और रीजनल रूरल बैंक्स हैं
तो उनके माध्यम से इनको ऋण भी दिया जाता है और इन ऋण में जो ब्याज दर है वह बहुत ही कम है, वह 4 से लेकर 6% ही है। मुख्यतः जब अभी शिक्षा की बात हो रही थी तो हायर एजुकेशन के लिए हमारी लोनिंग स्कीम भी है जिसमें कि युवकों को मात्र 4% इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जाता है और युवतियों को 3.5% पे लोन दिया जाता है। तो यह भी हमारे पास विकल्प है, परंतु इसके लिए थोड़ी बहुत कोशिश वहां से भी होनी पड़ेगी और साथ मिलकर हम जरूर इसमें कुछ आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, इस पर एक दो सवाल जहन में आए हैं, इस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन अभी चलते हैं सीधे राजलक्ष्मी के पास, कुछ SMS को लेकर के वो तैयार है। राजलक्ष्मी जी। नारायण जी, मयूरभंज से धनेश्वर जी का SMS आया है कि क्या स्वच्छ भारत अभियान में अच्छी नौकरी मिलने की भी संभावनाएं हैं? क्या नौकरी मिल सकती है? देखिए, स्वच्छ भारत में कार्य हो रहा है और जहां भी कार्य होगा वहां नौकरियां भी जरूर होंगी, परंतु हमारा जो विभाग है वह स्वच्छ भारत में ज़्यादा सफाई कर्मियों की ओर ध्यान दे रहा है, पर विकल्प बहुत सारे हैं क्योंकि जैसे मैकेनाइजेशन हो रहा है तो उसमें नौकरियां मिल सकती हैं, जब मशीनें आती हैं तो मशीनें की मेंटेनेंस की भी आवश्यकता होती है, तो इसीलिए इसमें कोई कमी नहीं है, परंतु इसके लिए जहां भी ये कोई मुहिम चलाई जा रही है, जैसे ये हमारे साथी मयूरभंज से जुड़े हैं तो वहां भी कोई ना कोई मुहिम चलाई जा रही होगी, तो वहां वह संपर्क करके जरूर ये देख सकते हैं कि कैसे तरह के रोजगार अवसर वहां प्राप्त हो रहे हैं। जी, कुछ और मैसेजेस हैं इस वक्त। हेलो जी, मोनू सेठ अमेठी से पूछ रहे हैं कि सफाई कर्मी की सुरक्षा देना तो अच्छी बात है, लेकिन जब वही सफाई कर्मी सफाई ना कर पाए तो क्या हम उनके खिलाफ आवाज भी उठा सकते हैं? नारायण जी, देखिए इसमें मैं थोड़ा आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये जो सफाई कर्मी है, हम लोग बैठते हैं, हम जरूर ये देखते हैं, हमको भी कई बार खराब लगता है, शिकायत होती है कि जो सफाई कर्मी है वह ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं। हम एक चीज़ नहीं देखते हैं कि हमारे देश में पीढ़ियों से कुछ ही लोग हैं जो कि ये सफाई का कार्य कर रहे हैं और इनको जो हमारे समाज है और हमारी जो समुदाय है उन्होंने एक तरह से अलग करके रखा है। तो इस जब हम भी ऐसे भावना रखते हैं तो कई बार इनमें भी ये भावना होती है कि हमारी तो ज़िंदगी ऐसे ही बीतेगी। अब पहले हमारे कुछ श्रोता आए तो यही बोल रहे थे कि इतने सालों से हम यही काम कर रहे हैं और हमारे को आगे कोई भविष्य नहीं दिखता है। तो मोटिवेशन तो हर फील्ड में चाहिए, अगर एक कंपनी में एक CEO भी है वह जब तक उसको कोई इंसेंटिव नहीं मिलता है, जब आगे उसको कुछ नहीं दिखता है, वह भी तभी काम करने के लिए और प्रोत्साहित होता है। तो मैं हमारे साथी को यही बताना चाहूँगा कि इनको इस नज़र से ना देखें, इनको जरूर मोटिवेट करने की आवश्यकता है और मोटिवेशन के साथ और इनको हम और अवसर दिखाएंगे तो जरूर ये भी आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि हम अगर किसी के खिलाफ कुछ आवाज़ उठाना चाहते हैं तो पहले उसका हित करना चाहते हैं। घर में भी बच्चे को डांटने का या मारने का तभी अधिकार होता है जब हम उसका पालन पोषण कर रहे हैं, तो इसी तरह हम अपने सफाई कर्मचारियों के पहले हित के बारे में सोचें और उसके बाद अगर कहीं अनुशासन की आवश्यकता है तो वह जरूर उठाई जा सकती है। जी राजलक्ष्मी, एक और मैसेज। जी, सोनू महाजन जी अमेठी से पूछ रहे हैं कि हम स्वच्छता की तो बात कर लेते हैं लेकिन स्वच्छता की कमी अगर देखा जाए तो शहरों से अधिक गांव में है, तो गांव की गलियों तक कैसे पहुंचा जाए और उनको किस प्रकार स्वच्छ बनाया जा सकता है? जी, माइक्रो लेवल पे गांवों को कैसे ज़्यादा और साफ रखा जाए? इनका 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 ये मानना है कि शहरों के मुकाबले गाँव ज़्यादा गंदे हैं। जैसे कि शुरू से भी बात हो रही है कि आज जो हमारा ये विभाग है और जो ये कार्यक्रम है वह सफाई कर्मचारियों के हित संबंधित ज़्यादा है, परंतु हाँ, स्वच्छ भारत और सफाई बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ तक हमारे साथी के प्रश्न का है तो इसमें मैं यही बताना चाहूँगा कि हर ज़िले में एक लोकल बॉडी जरूर होती है, हर क्षेत्र में एक लोकल बॉडी होती है जिसका कार्य होता है सफाई को देखना, और उस लोकल बॉडी तक पहुँचे तो ज़रूर, क्योंकि जब तक कोई चीज़ पे अगर कोई चीज़ ठीक नहीं है तो अगर हम उस पे आवाज़ उठाएं तो ज़रूर उस पे कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। तो मैं इनको यही बताना चाहूँगा, अगर गांव में भी कहीं उनको ऐसा दिख रहा है कि स्वच्छता नहीं हो रहा है तो जो कंसर्न्ड एजेंसी है उन तक पहुँचे और उनके माध्यम से फिर अपने जो उसका सुधार होना है वो जरूर हो सकता है। बिल्कुल, आपके वहाँ पे वार्ड कमिश्नर होंगे, अपने मुखिया से आप इसकी शिकायत करिए, अगर वो भी नहीं है तो आप नगर पालिका में म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, जिला परिषद अध्यक्ष हैं, ये सारे लोगों तक अपनी बात रखिए और सफाई होगी। कई बार हम जो है कंप्लेन करने से ज़्यादा थोड़ा सा हमें जागरूक होने की ज़्यादा ज़रूरत है। एक और श्रोता इस वक्त लाइन पर। हेलो, हेलो,
ये कुछ गवर्नमेंट सरकारी भी स्कीम होनी चाहिए ना कि इनको मर्ज करें, पाँच पाँच छह छह साल हो गए जिन लोगों को करते करते काम कॉन्ट्रैक्ट के बाद। जी साहब पहले अपने नाम बताएंगे, कहाँ से बोल रहे हैं? बताया था अभी, नाम अशोक शर्मा है, दिल्ली से बोल रहे हैं। जी अशोक शर्मा जी, तो क्या सवाल बताया आपने? सवाल मेरा ये था कि जो गवर्नमेंट एजेंसी के पास में निगम में या पालिका में जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रही है सफाई कर्मचारी सीवर में या झाड़ू लगाने में जैसे, इनको इनकी कोई ऐसी स्कीम है गवर्नमेंट की जो उनके डिपार्टमेंट में मर्ज कर लिया जाए? यानी परमानेंट होने की बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट है? आप परमानेंट होने की बात कर रहे हैं? जी नारायण साहब, डिपार्टमेंट में मर्ज करने का तात्पर्य इनका परमानेंट करना है, वो लोग जो कॉन्ट्रैक्चुअल काम कर रहे हैं। जैसे पहले बात हो चुकी है, ये जो कंसर्न बॉडी है म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनकी स्कीम्स आती रहती हैं कि कैसे अपने कर्मचारियों के लिए, चाहे वो अस्थाई हो या कॉन्ट्रैक्चुअल हो, कैसे उनको और रेगुलराइज की जाए। तो जो भी कंसर्न एजेंसी है वही इसका जवाब दे पाएंगे। जी अपने उन लिसनर्स के लिए जिन्होंने रेडियो से देर से ट्यून किया हो, उनको ये बता दें कि आज का हमारा विषय है स्वच्छता कर्मियों के लिए सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाएं। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक श्री के नारायण। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीफोन नंबर 1800113663 1800113663 पर SMS भी कर सकते हैं। मैसेज बॉक्स में जाएं, टाइप करें GOLD गोल्ड स्पेस दें, अपना प्रश्न नाम और जगह लिखकर भेज दें 53010 पे 53010। नारायण साहब जो सवाल मेरे जहन में था, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि हम लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं एक अगर एक इस्टेब्लिश्ड जो स्ट्रक्चर है अपना सफाई कर्मियों का, वाल्मीकि समुदाय है कमोबेश हर जगह पे, अब यहाँ पे एक जातिवाद भी फैक्टर है, ठीक है, तो सवाल उठता ये है कि जो लोग अपना काम शुरू करेंगे, कुछ उद्यम शुरू करेंगे, फूड प्रोसेसिंग का, खाने का कुछ लगा लें, कुछ और अपना दुकान खोल लें, वहाँ पे कौन इनसे ख़रीदेगा? क्योंकि एक एक छुआछूत और भेदभाव की भी, हालांकि अभी भी कहा जाए कम हुआ है, ख़त्म हो रहा है, लेकिन कई जगहों पे आप इसकी परछाई देखते हैं। निसंदेह यह अभी जातिवाद को हटाने के लिए चाहे वो सरकार हो या सोशल मूवमेंट्स हो बहुत पहले हुई हैं, परंतु जब इस समुदाय की बात करते हैं अभी भी कहीं ना कहीं यह जातिवाद छलकती है और ऐसे प्रॉब्लम्स जरूर होते हैं। इसके लिए मैं मानता हूं कि एक पब्लिक डिस्कोर्स की ज़रूरत है, क्योंकि सैनिटेशन वर्कर्स और इन समुदाय के बारे में, जैसे आपने बोला एक वाल्मीकि समुदाय और भी ऐसे समुदाय हैं, पर वही समुदाय ये कार्य बार बार करते रहते हैं, इस पे शायद पब्लिक डिस्कोर्स उतनी नहीं रही है। जो बुद्धिजीवी हैं इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं किया गया है, तो इसीलिए जितना हम इन सब चीज़ों के बारे में खुल के बात करें कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और इन लोगों को सम्मिलित करने के लिए हम कदम उठाएं, उतना अच्छा रहेगा। मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, जैसे हमारा ये निगम है, तो हमारा ये निगम, हम हर जगह वाल्मीकि बस्ती में जाते हैं, वहाँ अवेयरनेस कैंप भी करते हैं, वहाँ हेल्थ कैंप भी करते हैं, और वहाँ उनके साथ भी हम एक, क्योंकि हम सब एक समान है, जैसे गांधी जी ने भी कहा है कि सब समदृष्टि से देखना है सबको, तो हम भी कोशिश यही करते हैं कि ये समदृष्टि हमारी जरूर रहे। और आपको मैं एक और अच्छी बात कहना चाहूंगा कि हमारे जो कॉरपोरेशन का जो ऑफिस है वो अभी शिफ्ट हो रहा है NSIC में, हमारा ऑफिस, इसका उद्घाटन हो रहा है 8 तारीख को, और ये उद्घाटन हम कोई नेता या कोई ब्यूरोक्रेट से नहीं करा रहे हैं। अभी हाल ही में जो हमारे स्वच्छकार हैं, जो हाथ से मैला ढोने के प्रथा, जिन जो आइडेंटिफाइड मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, इन्हीं के हम करीब 5-6 जो महिलाएं हैं, जो वरिष्ठ महिलाएं हैं, उनको बुला के हम ये इनॉग्रेशन करवा रहे हैं अपने फैसिलिटी का, और हम उनसे अनुग्रहित होना चाहते हैं कि हम उनके लिए और उन समुदाय के लिए और काम कर सकें। तो ये एक छोटी सी पहल है, तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हम सब जब तक इस समुदाय को हम नहीं देखते कि ये भी हमारे ही हैं, एक अंग हैं, और एक सफाई के काम को अलग से ना देखें, और ये ना सोचें कि ये ऐसे ही काम करते हैं, अनुशासन नहीं है, या ये ज़्यादा इनके और कोई मदिरा सेवन की आदत है, ये हमारी एक, मैं अगर मैं यूज़ करूँ वर्ड, एक मिडिल क्लास मेंटेलिटी आ जाती है। जब तक हम इस बैरियर को नहीं ब्रेक करेंगे और जब तक हम इनके साथ घुलेंगे मिलेंगे नहीं, तो
आपका कहना बिल्कुल सही है, जितने भी हम पहल कर लें व्यवसाय की दृष्टि से हो या और भी किसी की दृष्टि से हो तो शायद वह इतना सफल नहीं हो सकता है, तो इसीलिए इसमें हम सबको मिलकर कार्य करना है। बिल्कुल, आपने जिसका जिक्र किया कि 5-6 मैनुअल स्केवेंजर्स के जरिए आप उद्घाटन करेंगे, ये आपके शब्दों के मुताबिक एक छोटी पहल हो सकती है। हमारा दायित्व बनता है, समाज का ये जिम्मेदारी बनती है कि इसका इम्पैक्ट लेवल को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और इसे प्रेरणा लें। एक और श्रोता है इस वक्त हमारे साथ लाइन पे। हेलो जी, मैं पीसी नागपाल हूँ जी, नागपाल साहब, सरोजी नगर से, सॉरी हंस अपार्टमेंट से प्रार्थना कर रहा हूँ। आदत मेरी सरोजी नगर वाली है, मैं अभी बोलने वाला था कि आप सरोजी नगर से हंस अपार्टमेंट चले गए हैं। हंस अपार्टमेंट, देखिए मैं एक सेवानिवृत्त अध्यापक हूँ जी, तो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ ऐसा काम करना चाहिए, क्योंकि ये होता तब है या तो गांधी जयंती के आसपास या कोई जब 5-4 लोग शिविर में डूब के मर जाए तब, जबकि ये निरंतर जारी रहना चाहिए और निरंतर हम जैसे लोगों को भी जारी रखना चाहिए। हम सरकार को कहते रहे, आप लोगों से कहते रहे तो बात बनती नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि स्वच्छता कर्मियों को जागरूक बनाए रखने के लिए कोई ऐसी सामग्री, कोई ऐसी किताब, कोई ऐसा कोई चीज हमें कहाँ से मिल सकती जो हम इनको बताएं कि भाई आपके ये अधिकार हैं, आपको ये कर्तव्य है, आपको ये सुविधा मिल रही है, ये नहीं मिल रही है, ये कैसे हो सकता है। बहुत ही बेहतरीन आपका सवाल है। और एक ये चीज है जी कि विद्यालयों में हमने ये देखा, वो पहले वाले गुरुओं ने प्रथा डाली, वो आज तक भी चली आ रही है कि बच्चे सफाई करें, तो बच्चे सफाई करें तो बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनके लिए विशेष कोई सुरक्षा व्यवस्था होती है और होनी भी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, वो भी किसी सामग्री में अंकित रहना चाहिए। और तीसरा एक बात है, आजकल सरकार जो हमारे नेत्रहीन साथियों को नौकरियां देती है, आजकल कुछ गिने चुने ऐसे लोग भी हैं जो नेत्रहीनों को सफाई कर्मचारी के पोस्ट पे नियुक्त कर दिया गया है, तो उनके लिए तो और भी विशेष व्यवस्था होनी चाहिए सुरक्षा की, क्योंकि सफाई करते समय खड्डा भी आएगा, ऊंचाई भी आएगी, नीचाई भी आएगी, तो ये सब कुछ कैसे संभव हो सकता है कि इनको सुरक्षा मिल सके। बस सवाल ये है कि सामग्री हमें बताई जाए, हम कहाँ से ला के और इसको प्रचार प्रसार में ला सकते हैं। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जी नारायण साहब। नहीं, मैं प्रशंसा करना चाहूंगा, नागपाल जी जैसे अगर सभी अध्यापक हो जाए तो इस देश की व्यवस्था में जरूर बहुत बहुत सुधार आएगा, और इनकी जो भावना है कि सेवानिवृत्ति के बाद भी ये सेवा करना चाहते हैं तो हम इसका अभिनंदन करते हैं। और जहाँ तक उनका प्रश्न था कि इसके लिए क्या कोई एक हैंडबुक है, तो जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया था कि हमारे सैनिटेशन वर्कर्स की जो ये ट्रेनिंग होती है तो उसमें एक हमने एक पिक्टोरल हैंडबुक, जो हमारे ग्रीन जॉब सेक्टर स्किल काउंसिल है, उन्होंने एक पिक्टोरल हैंडबुक बनाया, क्योंकि हमने देखा इनकी शैक्षणिक लेवल भी थोड़ी कई बार उतनी होती नहीं है कि वह इतना पढ़ पाएँ, तो उसमें एक ज़्यादा पिक्टोरल है कि कैसे आपको अपनी सावधानियां रखनी चाहिए और कैसे आपको सुरक्षित रूप से काम करना चाहिए। तो हमारे नंबर तो हम आपको दोहरा ही चुके हैं, तो वह अगर हमसे संपर्क करें तो हम जरूर ये जो किताबें हैं इन तक पहुंचा सकते हैं, ताकि यह इन किताबों को जिनको भी देना चाहें वो दे सकते हैं। यही किताब मेरे ख्याल में विद्यालयों में भी कार्य आएगा, क्योंकि ये भी अच्छी बात है कि बच्चों में अगर हम सफाई करने का और जो पब्लिक प्लेसेस में सफाई करने की एक आदत आएगी तो बाद में लोग समझेंगे कि ये कोई काम कोई नीचे काम नहीं है, ये भी जैसे गांधी जी बोलते थे ये तो क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस, तो वो एक भावना उनमें जरूर आ सकती है। तो और जहां तक ये बात है नेत्रहीन साथियों को सफाई में लगाना, मैं इस पे मुझे नहीं मालूम कि कहां ये ऐसी कोई घटना घटी है, परंतु हाँ ये जरूर है कि इसमें जरूर तकलीफें आएंगी, क्योंकि ये एक फिजिकल सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी है जिसमें ऐसे लोग विजुअली इंपेयर्ड लोग जो हैं उनको लगाना शायद सही नहीं होगा, पर अगर ये कोई हमको स्पेसिफिक बता सके कि कहां ये हुआ है तो जरूर हम फिर उस एजेंसी से भी बात कर सकते हैं जी। और नंबर नागपाल साहब ऑलरेडी हम बता चुके हैं, एक बार फिर आपके लिए और उन लिसनर्स के लिए, उन श्रोताओं के लिए जो चाहते हैं कि इस तरह के पिक्टोरियल हैंडबुक्स या कुछ डॉक्यूमेंट्स इस तरह के जो जो थोड़ा जागरूकता से जुड़े हैं उन तक पहुंचाई जा सके, 9898147800 9898147800 इस पे आप अपने नाम और जो भी आपका जो आपको ज़रूरत है वो भी ले सकते हैं, बल्कि ये इस नंबर के ज़रिए जो हमारा नंबर है NSKFDC का, उसके ज़रिए आप अपने सुझाव अपनी शिकायतें भी हम तक भेज सकते हैं। ईमेल आईडी भी हम आपको बता रहे हैं एक बार फिर से, md-nskfdc@nic.in। इस एक बार फिर से चलते हैं राजलक्ष्मी के पास, कुछ एक दो मैसेजेस वो इशारा कर रही हैं कि उनके पास ऑलरेडी है जी।
जी नारायण जी, अंजू कोवर तिनसुकिया आसाम से पूछ रही हैं। पहले तो हमारी तारीफ कर रही हैं कि दिस प्रोग्राम इज एन इनोवेटिव एडिशन ऑफ एआईआर एंड उन्होंने एक केस स्टडी किया है ऑन सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स ऑफ सफाई कर्मचारीज ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। सो शी फाउंड दैट द सफाई कर्मचारीज आर लिविंग इन पैथेटिक कंडीशन, सो व्हाट कैन वी डू फॉर देयर बेटर लिविंग। एंड अनदर क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द प्रिवेसी एंड सेफ्टी ऑफ वीमेन रिलेटेड टू सफाई कर्मचारीज, सो काइंडली कंसिडर सच प्रॉब्लम्स। नारायण जी। जी नारायण जी, यहाँ पे इनके साथ हम एक अपना भी सवाल इसमें जोड़ दे रहे हैं क्योंकि वेस्ट पिकर्स जो है, जो कूड़ा बीनने वाले, ये भी इस दायरे में आते हैं। इस पे भी थोड़ा सा रोशनी डालें जी। तो पहले तो हम ये मैडम जो तिनसुकिया से जिन्होंने ये स्टडी की है, हम तो उनसे एक सहायता मांगेंगे कि उनकी ये जो स्टडी रिपोर्ट है अगर हम तक पहुंचा सकें तो ये हमारे लिए ज़रूर ज्ञानवर्धन होगा और हम अपने इंटरवेंशंस को शायद और सुधार पाएं। और जहां तक इनका ये सवाल है कि इनकी कंडीशंस पैथेटिक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लिविंग कंडीशंस जो है वो जनरली आपकी जो इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी है उससे रिलेटेड होती है। जब आपके पास और आय रहता है तो फिर निसंदेह आपके जो जीवन का स्तर है वो भी बेहतर होता है। तो जैसे मैंने बोला, हमारी जो कई सारी योजनाएं जिनके बारे में हमने बात किया है उसका वो लाभ उठा सकते हैं और क्योंकि ये खुद भी जुड़ी हैं तो ये हम तक जरूर पहुंच सकती हैं और इन लोगों के लिए फिर अगर कुछ करना है हम जरूर कर सकते हैं। जी, एक और मैसेज हमारे पास है। हेलो जी, विश्वजीत जी पूर्णिया बिहार से पूछ रहे हैं कि छोटे शहरों और गाँव में एक ऐसी संस्था भी होनी चाहिए जो सफाई कर्मियों के कल्याण के लिए काम करे, इसके बारे में आपका क्या कहना है नारायण जी? ये हर शहर के पास कोई ना कोई अगर मशीनरी है तो कुछ शहरों में शायद है भी, परंतु अगर कल्याणकारी कार्य के लिए, जैसे हमने बोला, हम तो प्रतिबद्ध हैं कि कहीं भी अगर कुछ इंटरवेंशन हमारे स्तर पे हो सकता है तो हम करेंगे। बाकी ये कई स्टेट्स ने अपने खुद के कमीशन्स भी बनाए हुए हैं जिससे कि इन लोगों की बेहतरी हो। एक सवाल आपका जो था रिगार्डिंग वेस्ट पिकर, उसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा जो कूड़ा बीनने वालों के लिए भी हमारे टारगेट ग्रुप में आते हैं और इनके लिए भी हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम 35 घंटे का डिज़ाइन किया है ताकि इनको भी सेफ्टी और अपने ये जो प्रोफेशन को कैसे और अच्छी तरह चला पाएं, क्योंकि ये वेस्ट से भी इनकम जनरेट होता है, ये फर्स्ट लेवल एंटरप्रेनर्स हैं, तो इनके लिए भी हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डिवाइस किया है जो कि हाल ही में शुरू होने वाला है और इस आगामी साल में 3,000 लोगों को हम ट्रेन करवाने के उद्देश्य रखते हैं। बिल्कुल नारायण साहब, यहाँ पे एक ये भी एक सोच है कि छोटे शहरों में अभी भी हम मैन्युअली ये भी काम कर रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब एक स्मार्ट सिटी की एक ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में, उस परिप्रेक्ष्य में हमारे स्वच्छता कर्मियों के लिए मैं किस तरह का एक परिकल्पना कर सकता हूँ? देखिए, स्मार्ट सिटी एक बहुत अच्छी पहल है और इसमें कुशलतापूर्वक कैसे एक सिटी रहे उस पर बहुत सोच हो रही है। मैं यही कहना चाहूँगा कि कुशलता की एक यह भी पहलू है कि हम अपने बच्चों की ध्यान रखें, उनकी संरक्षा करें और कोई भी सिटी के लिए उसके सफाई कर्मचारी उसके बच्चे की तरह है, तो जो भी हमारे टाउन प्लानर्स प्लानिंग कर रहे हैं सिटीज़ में, वहाँ सैनिटेशन रिलेटेड और जो अपने ड्रेन्स और सुवर लाइन्स, इसमें मैकेनाइज्ड इंटरवेंशन का प्रावधान जरूर रखें, क्योंकि कोई भी, हालांकि कभी कोई नीचे जाता है तो उसमें एक्ट के मुताबिक भी उनको कंपनसेशन मिलता है, काफ़ी अच्छी कंपनसेशन दी गई हैं, परंतु हम ये नहीं चाहते कि हमारे जो ये सफाई कर्मी है वह उनके जीवन वो न्योछावर करें सफाई करते हुए। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री ने एक और अच्छा नाम दिया उनके लिए, स्वच्छाग्रही, जैसे कि सत्याग्रहियों ने हमको इंडिपेंडेंस दिलाया, स्वच्छाग्रही हमको सैनिटेशन फ्रीडम देंगे, परंतु सत्याग्रही तो अंडर ब्रिटिश सरकार थे तो उनके कई लोगों ने अपना जीवन न्योछावर किया, ये स्वच्छाग्रही हमारे डिस्पेंसेशन के अंडर में है, तो हमको ऐसे काम करना चाहिए कि ये कहीं सैक्रिफाइस न हो, ये अपना काम अच्छी तरह कर सकें और उसके लिए टाउन प्लानर्स की भी जिम्मेदारी है कि अच्छे इंटरवेंशंस प्लान करें और इसके लिए जैसे मैंने बोला हम अपने फाइनेंसिंग स्कीम्स के माध्यम से भी मदद कर सकते हैं। एक मल्टी मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन वर्क है आपका अलग अलग विभागों के साथ है, कैसे आप कर रहे हैं? चूँकि एक छोटे स्तर पर एक पंचायत से लेकर के आप मंत्रालय तक से अलग अलग मंत्रालयों से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कैसे इन चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे हैं? हमने ये देखा है कि
जब भी कुछ अच्छे कार्य करने के लिए हम सोचते हैं तो सब लोग साथ में जुड़ जाते हैं, वह भले ही कोई भी विभाग हो, सरकार हो, परंतु सब कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं। इस बात यही है कि क्या योजना बननी चाहिए और कैसे चलाना चाहिए, और इसमें भारत सरकार और राज्य सरकारों में कई सारे ऐसे तंत्र हैं जिससे कि ये काम हो रहा है। एक सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी है इसके लिए, जिसकी अभी 11 तारीख को भी मीटिंग है, जिसमें स्टेट से लोग आएंगे, तो इसीलिए समन्वय में हमने कोई अभी तक तकलीफ नहीं पाई है। बिल्कुल, हमारी ये कोशिश है और हम अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से आकाशवाणी हमेशा अपने सुनने वालों को और लोगों को अपील करता है कि वो सामने आए। एक समावेशन होना चाहिए और जागरूकता होनी चाहिए, और इस जागरूक में हम एक आइडियल स्टेट, एक भारत का निर्माण कर सकते हैं और गांधी जी के सपने को हम साकार कर सकते हैं जो उन्होंने स्वच्छ भारत के संदर्भ में देखा था। इस साल हम 150वीं जयंती भी मना रहे हैं। नारायण साहब, आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने लिसनर्स का भी शुक्रिया करते हैं जिन्होंने कि हमारे साथ प्रोग्राम में हिस्सा लिया और अपनी समस्याएं बताई और पार्टिसिपेट किया। नारायण साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं AIR का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस संवेदनशील जो विषय है उस पर यह प्रोग्राम का आयोजन किया, और जरूर हमारी सबकी यही आशा है कि आगे स्वच्छ कर्मियों के लिए अच्छा ही हो। बिल्कुल।